हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का एक क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1-2 बनाया हुआ है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, देखिए इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब होता है वैल्यू निकालना, कि ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, इस इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालना है कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, उसे नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लें काइंडली, क्योंकि इस चैप्टर को बनाने के लिए एक एक चीज आना जरूरी है, क्योंकि ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें देखिए, और इसे क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए थोड़ा सा भी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे क्या दिया है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, यानी मान लीजिए साइन स्क्वायर 27 को कांस्टेंट रखते हैं तो इसको चेंज करेंगे, इसको कांस्टेंट रखते हैं 73 को तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करना है, ये जो है आप देखेंगे तो इसको, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, एड करके देखिए 73 10 हैंड में 1 6 2 8 1 9 91। तो इसको सबसे पहला काम, एक एक आप पढ़े हुए हैं कि क्या होता है साइन, मान लीजिए ये साइन 63 है, इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 63 लाना है। ठीक है, तो 63 लाने के लिए इसमें से क्या माइनस करेंगे, 27 माइनस करेंगे। तो ये साइन 63 को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन, दूसरे तरीके से साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू निकल कर क्या आता है सामने हम लोग के, साइन 90 माइनस कोई भी एंगल ए हो या 27 है तो कॉस ए होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 27 हो जाएगा। बस उसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए नीचे कॉस 17 को चेंज करना है, तो कॉस 17 यानी कि कॉस 90 माइनस 17 लाने के लिए 90 में से क्या माइनस करेंगे, 73 माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना आता है, साइन साइन 73। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैंने यहाँ सुविधा के लिए आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए ये किया है, ताकि आपको एक रिमाइंडर हो जाए और आप इसको आसानी से समझ सकें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फाइन, अब देखिए यहां पे चूंकि साइन से यहाँ क्या आया है, कॉस आया है, तो साइन स्क्वायर से क्या आ जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहां भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए यहां अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, अगर क्या होता है कि सेम है, एंगल सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, ऐड करके 1 आता है, होता है ना, 1 आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 के बराबर, तो नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर 73 है, कॉस स्क्वायर 73 है, तो नीचे भी 1, तो 1 1 1, तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू निकल कर सामने आ गया। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट। अब हम लोग थर्ड का सेकंड भी बना लेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर कैसा है हम लोगों का, कि क्या दिया है, देखिए साइन 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 25
डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। फाइन, तो इसको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन जैसे ही दिखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 5 5 10 6 2 8 1 9 90 हो गया। तो बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को उसी तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखिए मान लीजिए इसी को चेंज करते हैं, तो क्या है साइन 25 लाना है, तो 90 में से आप 65 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 65, और इसको जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, कॉस 65 दोनों को नहीं चेंज करेंगे, एक ही को चेंज करेंगे। पहले भी बताया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वीडियो आप जरूर से देखें, उसमें मैंने बताया है कि एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को चेंज करना है, क्योंकि दोनों का क्या है सम 90 के इक्वल आ रहा है। प्लस इसमें भी वही करेंगे, कॉस 90 माइनस 25 है, तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 65 को माइनस करेंगे, इंटू साइन 65 लाने देंगे। फाइन, अब देखिए, अब हम लोगों ने अभी तुरंत यहाँ पे क्या पढ़ा है कि साइन में अगर साइन 90 माइनस कुछ भी लिखते हैं तो वो उसका क्या आता है, कॉस में आ जाता है वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एंगल क्या है 65, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, कॉस में कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो गया, कॉस 65, यहाँ साइन होगा, साइन साइन, ठीक है, तो साइन साइन 65 इंटू साइन 65। तो देखिए कॉस 65 इंटू कॉस 65, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65, साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। समझ में आ गया, साइन कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, यानी क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, 65 65 सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, इवेल्युएट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो लगे कि अच्छा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।